तो देखिए, आपके पास ये काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन आसान तो हमारे लिए है, आपके लिए होगा भी आसान जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस आएगा। खैर, तो हम लोग यहाँ करते क्या है कि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं ना, लेकिन 2x तो है नहीं। खैर, जो भी एंगल है उसका हाफ कर देंगे ना, 30 होता तो 15 कर देते, 60 होता 30 कर देते आप, जो भी उसका हाफ करना है, तो एक्स है तो एक्स बाई टू हो जाएगा। तो 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। बाद में देखेंगे कि ये इंटीग्रल फॉर्म में ये कहाँ पहुँचा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऊपर 2 sin² x/2, और नीचे क्या हो जाएगा आपका, 2 cos² x/2 हो जाएगा dx। और 2 2 तो कैंसिल हो गया, और sin² / cos² क्या होता है, tan² होता है, तो tan² x/2। लेकिन अभी ये इंटीग्रेबल फॉर्म में तो पहुंचा नहीं। हमें पता होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो या तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल मौजूद होता है या कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल मौजूद होता है, और बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके 1 डिग्री के ही इंटीग्रल मौजूद होते हैं। तो सेक स्क्वायर में जाना तो बड़ा आसान है, क्या करें यहाँ से, tan² से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर दें। ठीक है, तो यहाँ से आप इंटीग्रल फॉर्म में पहुँचने के लिए बात थोड़ी सी दूर हो, तो सेक स्क्वायर x/2 -1 कर देंगे। ये tan² थीटा को हमने लिख दिया है। ठीक है, अब इंटीग्रल आपका लीनियर ऑपरेटर होता है, तो ये इंडिविजुअली क्या कर लेगा, इंटीग्रेट कर लेगा। ठीक है, तो इसी स्टेप में हम कर दे रहे हैं, आप अपना नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा dx, और ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 dx। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रल तो बड़ा आसान है, ये तो x आ गया है ना, माइनस ये रहेगा, और सेक का क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव टैन होता है, टैन, लेकिन इसके अंदर एक्स नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, x/2 है, और अगर x/2 है तो जो एक्स का कोफिशियंट है वो 1/2 में आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2, लेकिन ये 1/2 देखिए तो 2 कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, तो इसको कायदे से हम यहाँ लिख देते हैं। और अभी क्या बचा आपका, एक फाइनल क्या, इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट, विच इज सी, दैट इज योर फाइनल आंसर।